हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टडी स्मार्टली। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। ये एक फ्री एजुकेशनल चैनल है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ मैथ्स चैप्टर, मैथ्स है क्लास ट्वेल्थ की, चैप्टर है डिटर्मिनान और ये पार्ट फोर्थ है, आई थिंक फोर्थ है। ठीक है, इससे पहले तीन बन चुकी है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको जिसे हमने क्लास टेंथ इलेवेंथ में पढ़ रखा है, वेरिएबल वगैरह एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर, तो हमने टू वेरिएबल का पढ़ा था, है ना? अगर आपको याद हो तो हमने टू वेरिएबल का पढ़ा था, लेकिन अब हम टू थ्री वेरिएबल का हम निकाल सकते हैं, थ्री वेरिएबल का भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट एक मेथड है। ठीक है, जो आप पूछते हो, अपने टीचर से पूछे हो एक डिटर्मिनेंट का यूज़ कहाँ होता है, तो ये एक जरिया है एक आंसर निकालने की। जैसे थ्री वेरिएबल का है तो हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो हम डिटर्मिनेंट के थ्रू हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ये देखिए, टू वेरिएबल का पहले हम देख लेते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू हम लिखेंगे, ये हमारी पूरी ए होगी, 2x-y वगैरह के ये x y जो वेरिएबल वाले हैं वो हमारा ए वैल्यू होगा। तो ए इक्वल 2 है तो 2, यहाँ कुछ नहीं है तो -1, और यहाँ पे 3 है तो 3, 4, तो ए की वैल्यू। और x की वैल्यू क्या होगा, x और y। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। और b की वैल्यू क्या होगी, जो आर एच एस में दे रखा है। ठीक है, -2 और 3। ठीक है, फिर हम इसके बाद क्या, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे होता है, 4 2 8 -3 × -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 + 3 = 11, तो मीन्स इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 11। ठीक है, अब हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे। इससे पहले हमने इनवर्स का किया था, उस अगर आपको नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, ये इनवर्स मैंने पार्ट थ्री में बताया था। तो ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजेसेंट ए इक्वल, मतलब ये फार्मूला है। ठीक है, एक वे है लिखने का, तो 1 अपॉन 11 आ गया, एक मॉड ए की जगह पे 1 अपॉन 11 आ गया, जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, इसके बाद हमने इसका इनवर्स लिखा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 2 है और ये 4 है, मतलब ये जब दो होते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है, 2 और 4 है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, 4 यहाँ पे आ जाता है, 2 यहाँ पे। और 3 और 1 के बीच में क्या होता है, हम ऐसे इस डायगोनल की बात करें तो इसमें साइन चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 4 आ गया, 2 आ गया, 1 वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पे -3 वहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो ये 2 वेरिएबल के लिए शॉर्टकट है। ठीक है, चलते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, x इक्वल a इनवर्स b, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे फॉर्मूले के तौर पे। x इक्वल a इनवर्स b, तो 1 अपॉन 11 4 1 3 2, या भी हमने a इनवर्स की वैल्यू निकाली, और b की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 -2 और 3 लिखा। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से होगा, तो ये इतना आया। ठीक है, और फिर यहाँ पे -3 और 3 मल्टीप्लाई हुआ, 2 और 3 हुआ यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद हम, आप पूछोगे x की वैल्यू क्या, हमने पहले लिखा था x इक्वल x अपॉन y। ठीक है, अब हमें सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 11 जो है इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू -5 अपॉन 11 और y की वैल्यू 12 अपॉन 11, ये आ गई। आपने सीख लिया कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट से एक्स और वाई की वैल्यू वेरिएबल। अब हम थर्ड का देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये आ गया थ्री वेरिएबल वाले, बिल्कुल सेम हम ऐसे करेंगे। ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या होगा, जो आर एच एस में हमें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है,
और ये आपने सीख रखा है, ठीक है, आता है ना आपको? अगर नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे डिटरमिनेंट के, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये सब बता दिया गया था। डिटरमिनेंट की वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। अब हमें A11 की वैल्यू निकालना है। A11 की, 11 क्या है हमारा, 1 है पोजिशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये और मतलब 1 माइनस 1 नहीं आएंगे और ना 1 2 1 आएंगे, इस 1 की वजह से, क्योंकि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। फिर बचा क्या, 1 माइनस 1 और -3 और 1 1। फिर हम इसका इसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई हो गया, -1 × -3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 4, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे पहले जो वीडियो बन चुकी है थर्ड पार्ट, आप वो देख लीजिए, इसमें सारी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने फिर इसकी वैल्यू निकाला, फिर वही सेम हमने किया, A inverse 1/10 डिटर्मिनाट, ये ए एडजेसेंट ए इक्वल 1/10, क्योंकि डिटर्मिनाट हमारा आया था 10। फिर हमारे पास हमने इसे अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, हमने ऐसे अरेंज कर लिया, ठीक है। अरेंज करने के बाद हमारे पास ये जो फॉर्मूला हमने बिल्कुल सेम किया अभी, x इक्वल ए इनवर्स बी, तो हमने इसको किया ये सेम लिखा। फिर हमने क्या किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को 2 से करना है और 2 को 2 से करना है। फिर यहाँ पे -5 को 4 से करना है, 0 को 0 से, 5 को 2 से, ऐसे कर करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारे पास 20 - 10 और 10 आया वैल्यू, और यहाँ पे 1/10 डिवाइड में है, तो 10 को सभी से डिवाइड करने के बाद ये आया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास मिल गई, तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे सबसे पहले। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।